हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मुखर्जी नगर और आज है संडे की नाइट, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया है। पता चला है कि 18 तारीख से यानी कि कल से ऑफलाइन क्लासेस वहाँ पे शुरू हो गई हैं और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है मैं कहीं भी गई नहीं हूँ मुखर्जी नगर, तो काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। तो देखते हैं आज वहाँ पर क्या क्या चेंज मुझे महसूस होता है और उसके बाद मैं बताऊँगी कि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा। तो चलो मेरे साथ आ जाओ जल्दी से। तो अभी हम कैब में हैं इस टाइम पर और जल्दी ही पहुंच जाएंगे। आई थिंक कितना टाइम लग जाएगा, आई थिंक 15 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं वहां पे क्या क्या होता है। तो हेलो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे बत्रा सिनेमा के पास और थोड़ा सा आगे, और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये है हमारी फेवरेट एक दुकान, एक शॉप जिसका नाम है अग्रवाल, है ना। लाइटिंग की वजह से अच्छी नहीं दिखाई दे रही होगी, ये बैक साइड पे, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ पे सारी जो कोचिंग सेंटर्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे जो कोचिंग सेंटर हैं ये अभी ओपन हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएंगे। और फिर देखते हैं यहाँ की जो रौनक होगी ना वो अलग ही होती है बिल्कुल, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं मतलब पूरे देश भर के, और ख़ासतौर से जो हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर आते हैं स्टडी करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर बुक स्टॉल्स भी दिखाऊँगी, बहुत ज़्यादा बुक स्टॉल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आज से लगभग 2-3 साल पहले तक ना हिंदी का कंटेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं आज आपको सारी जगह दिखाऊंगी कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं कहाँ कहाँ पे जाती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है अग्रवाल वाला, ठीक है, ये अग्रवाल वाला, और यहाँ के समोसे कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, और मतलब यहाँ जैसे मैंने ब्रेड पकौड़ा आज तक नहीं खाया, सच में नहीं खाया। और यहाँ पे ना एक जलेबी वाला बैठता है बहुत पुराना, ये देखो जलेबी वाला भाई, इसकी जलेबी बहुत ऑसम होती है। तो चलते हैं आज सब कुछ टेस्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक कह रहे भैया, कह रहे कि 24/7 मतलब पूरे 24 घंटे ये शॉप खुली रहती है, तो आप चाहो तो यहाँ से बुक परचेज कर सकते हो। अरे वाह, तो ये है बहुत अच्छी शॉप, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। खासतौर से जो EPFO के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम यहाँ से स्टडी मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो ये रही शॉप आपकी, ठीक है, राय बुक्स के नाम से, और यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा बुक एक्चुअली परचेज़ की है, और NTPC रेलवे और EPFO की कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए, जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि मैम पढ़ा दीजिए, और इसके अलावा SSC के जो न्यू बैचेज़ हैं वो भी मैं बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा, है ना। मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हमें केवल PDF चाहिए, तो बेटा PDF के साथ साथ ज़रूरी यह है कि आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी पता हो। हाँ, रेलवे वाले जो बच्चे हैं खासतौर से जो NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका फेज 2 फेज 3 में एग्ज़ाम है, उनसे यही कहूँगी कि आप क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा थ्योरी पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, तो बने रही है। बाकी पढ़ाई की बातें मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं तो आप कहोगे कि बस दिन भर पढ़ाती रहती हो। और ये आप देख सकते हो कि मेरे पीछे इधर पूरा आपको मार्केट दिखाई दे रहा होगा, और ये एक्चुअली इस टाइम पे मैं अंसारी बिल्डिंग के पास खड़ी हुई हूँ, चौक डेयरी के पास। तो यहाँ पे बहुत पहले मैं पढ़ाती थी, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, इससे पहले KD कैंपस में भी पढ़ाया है, बहुत सारे संस्थाओं में पढ़ाने का तजुर्बा रहा है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्लोब्स हैं, मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ वो सारी चीज़ें आपको इस मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल होगी, और बहुत नॉर्मल प्राइस में होता है, जैसे फाइल है, मार्कर है, ग्लोब्स हैं, मैप हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ें अभी फूड कॉर्नर की तरफ चलेंगे, तो मैं दिखाऊंगी वहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं अब कितनी पढ़ाकू हूँ, तो मुझे पहले बुक्स चाहिए होती हैं और देन फिर दूसरी चीज़ें बाद में। यहाँ पर मेन स्ट्रीट, ये है यहाँ पर मेन स्ट्रीट, और यहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ पर मतलब ये सारे PG हैं, आपको दृष्टि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पर बेसिकली दृष्टि का यह मेन केंद्र नहीं है, मतलब मुख्य केंद्र नहीं है यह। और मुझे भी जो डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर हैं उनसे पढ़ने का बहुत ही बढ़िया एक सौभाग्य मिला है एक्चुअली, बहुत ही शानदार टीचर हैं और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। तो अगर आप यहाँ पर देख पाओ
तो अभी लेट नाइट हो गया है, इसलिए काफ़ी इंस्टीट्यूट यहाँ पर कम है, ठंडी है, और मेरे को लगा था कि 18 तारीख से खुलेगा, लेकिन अभी मेरी बात हुई है सभी से तो कह रहे हैं सभी कि 20 तारीख से ओपन हो जाएंगे। उसके बाद मैं डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पुरानी यादें आ रही है मुझे तो यहाँ पर। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर मेट्रो फास्ट फूड के पास, और इधर से अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और बहुत ही पुरानी चाय की शॉप है, देखते हैं कितना अंतर आया है पिछले एक सालों में। तो अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और बहुत ही पुरानी है शॉप है, और जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो जब हम कोचिंग से आते थे यहाँ पर तो चाय पे चर्चा होती थी स्पेशली, और ख़ास तौर से जो हमारे सीनियर्स होते थे वो हमें बताते थे कि कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए था। हमें आधी बात समझ आती थी, आधी बिल्कुल नहीं समझ आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आता है कि खुद से ही सारा सब कुछ करना होता है। टीचर जो है वो एक मार्गदर्शन दे सकता है, अच्छी कंपनी में रहो, अगर अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें सही हो जाती है, लेकिन मेहनत आप ही की होती है, ठीक है। सेल्फ स्टडी आप जितना कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। केवल शिक्षक एक रास्ता दिखा सकता है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि द्रोणाचार्य जी होते हैं शिक्षक, अर्जुन हमें खुद ही बनना होता है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो आज के लिए यही मैसेज है कि अपने लिए खुद जंग आप लड़िए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में खुद एक हीरो हैं, ठीक है। बाकी दुनिया विलेन ही है, तो अपनी ज़िंदगी में खुद अपने हीरो बनिए, अपने निर्णयों को सही बनाइए। कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता, उसे हमें हम अपनी मेहनत से गलत या सही बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सही बनाइए, और ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए मुखर्जी नगर के लिए। तो होप्स हो कि ये आप लोगों को कुछ इंस्पायर करे, कुछ अच्छी खुशी आप लोगों को दे। काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूँ। तो जितने भी NTPC वाले और जो रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं खासतौर से, उनको बेस्ट ऑफ लक अगेन, बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, और EPFO के लिए एक नया बैच में लेके आऊँगी बहुत जल्दी, SSC के लिए भी, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।